रहमान रहीम। हम इस वक्त मेहरान मसाले की फैक्ट्री में मौजूद है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, और मैं खुद FMCG से बेवरेज से वाबस्ता आदमी हूँ, लेकिन मैंने इतनी बड़ी फैक्ट्री शायद पहली बार देखी है। बहुत बड़ी फैक्ट्री है, पाकिस्तान की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है मेहरान मसाले। मैं यहाँ आया हूँ, देख रहा हूँ किस तरह मसाले बनते हैं, किस तरह पैकिंग होती है। सारे प्लांट ऑटोमेटिक प्लांट लगे हुए यहाँ पर, इनके सेल मैनेजर साहब यहाँ मौजूद है, ऑफिसर मौजूद है। अच्छा, मुझे बताएं सर, क्योंकि पूरी दुनिया में मेहरान मसाला पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है, जद्दा में प्लांट लगे हुए हैं, सऊदी अरब में प्लांट लगे हुए, दीगर ममालिक में लगे हुए, तो वो वहाँ पर भी फ्रेंचाइज दे दी है या इसी इदारे का वो हिस्सा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, हमारे जो पाकिस्तान से बाहर जितनी भी हमारी प्रोडक्शन हो रही है उसमें सऊदी अरब, जद्दा और UAE है, वहाँ पे वो हमारी ओन एंटिटी है और कोई फ्रेंचाइज नहीं है, वो ओन करती है मेहरान फिस्पाइसन को। अरे, एक चीज़ पूछनी है, मैंने मसाले के डब्बे देखे हैं, उस पर एक चीज़ लिखी होती है MSG, इस पर कहीं लिखा हुआ, वो क्या मतलब, क्या होता है? बेसिकली MSG एक केमिकल है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। MSG एक केमिकल है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, और दुनिया के बेशतर ममालिक में ये बैन है, क्योंकि इसके जो है वो इंसानी सेहत पे अच्छे असरात नहीं है। बट बीइंग अ सोशली रिस्पॉन्सिबल ब्रांड, हमारे किसी रेसिपी मिक्सचर इसके बेशतर नुकसान आते हैं, लाइक याददाश्त में कमी होना, इसके अलावा पाकिस्तान में कुछ मिकदार इस्तेमाल करने की इजाज़त तो है, मगर बहरान फूड न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जितने तमाम ममालिक में एक्सपोर्ट होता है, कहीं भी MSG का इस्तेमाल नहीं करता, जिससे इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है। और तरक्की दे, देखने वालों को बता दूँ, JDC के तमाम दस्तरखानों में जितना भी मसाला यूज़ होता है, चाहे वो 5 लाख का हो या 5 करोड़ रुपये का यूज़ हो, वो सारा मसाला मेहरान मसाले देती है। आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको दिखाते हैं यहाँ पर किस तरह से प्लांट में ऑटोमेटिक फिलिंग हो रही है, वो भी दिखाते हैं आपको। अंदर मिर्चें बहुत ज़्यादा है, वहाँ जाएंगे तो खांसी आना शुरू हो जाएगी, इसलिए एक मखसूस हद तक हम गए। यहाँ पर देखिए किस तरह ऑटोमेटिक पैकिंग हो रही है सारी।